दोस्तों यूं तो हमें और आपको दुनिया में लाखों करोड़ों जानवर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब बात हम इंसानों के सबसे करीबी जानवर की करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डॉग का, यानी कि कुत्ते का। दोस्तों दुनिया में 339 अलग अलग डॉग ब्रीड्स हैं, जिनमें से कुछ इतने खास हैं कि उन्हें देखकर ही इंसान सोच में पड़ जाए। और कई डॉग्स तो ऐसे भी हैं कि जिनमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इस वजह से लोग उनके ऊपर पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ दुनिया के सबसे महंगे डॉग से रूबरू करवाएंगे, जिनके दाम सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। न्यूफाउंडलैंड डॉग। अब दोस्तों आप इस जाइंटिक डॉग से मिलिए, जो आपको ब्लैक ब्राउन या फिर ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगा। इनकी एवरेज लाइफ स्पैन करीब 8 से 10 साल की होती है और ये डॉग काफी ज्यादा स्वीट होते हैं, क्योंकि अपने बड़े साइज के बावजूद ये काफी ज्यादा जेंटल और कंपैशनेट किस्म के होते हैं, जिन्हें अपने ओनर से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है, इसीलिए लोग इनको खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि इनको खरीदना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इनकी कीमत करीब $1,300 से भी ज्यादा होती है। सलुकी डॉग। दोस्तों सलुकी डॉग साइट हाउंड के दूर के रिश्तेदार हैं, जहां ये अपनी आंखों की मदद से शिकार करते हैं, ना कि अपनी स्माइलिंग पावर से। दोस्तों इन डॉग्स का लाइफ स्पैन करीब 12 से 14 साल के बीच में होता है, जहां सलुकी नाम की ये डॉग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, लेकिन इनका नेचर काफी ज्यादा शर्मीले किस्म का होता है, जहां ये ज्यादा किसी से फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं करते। और अगर आपको इस तरह का शांत और बुद्धिमान डॉग चाहिए तो उसके लिए आपको लगभग $2,300 खर्च करने पड़ेंगे। फेरो हाउंड डॉग। दोस्तों फेरो हाउंड एक मल्टिस ब्रीड है, जिन्हें रैबिट डॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें मल्टिस में रैबिट हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन पतले दुबले से दिखने वाले डॉग्स की लाइफ करीब 11 से 14 साल के बीच होती है और ये आपको रेड, टैन एंड गोल्डन कलर में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये डॉग काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिन्हें सुस्त होकर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इस एक्टिव डॉग के लिए आपको 1500 से लेकर $2,500 तक चुकाने पड़ सकते हैं। केन कोर्सो। दोस्तों अब आप एक और इटालियन डॉग को देखिए, क्योंकि ये भी काफी यूनिक है, जो कि अधिकतर सदर्न इटली में पाए जाते हैं, जहां इन्हें आप अधिकतम लॉ एनफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इससे आप इस बात को बड़े अच्छे समझ सकते हैं कि ये डॉग ब्रीड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि इंटेलिजेंस के साथ साथ इनका अग्रेसिव नेचर भी आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये गार्ड डॉग की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में दोस्तों 10 से 12 साल तक जीवित रहने वाला ये डॉग काफी ज्यादा डिमांड में रहता है, जिनकी मार्केट में कीमत लगभग $4,000 से $6,000 के बीच में है। हालांकि अगर ये बिल्कुल असली नस्ल के हुए तो इनकी कीमत $8,500 तक भी पहुंच जाती है, जो कि काफी ज्यादा हाई रेट है। जर्मन शेफर्ड। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस डॉग के बारे में, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, आप अगर डॉग लवर हैं तो आपको जर्मन शेफर्ड काफी पसंद आते होंगे, क्योंकि इन्हें कई तरह के अलग अलग वर्किंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 9 से 13 साल की उम्र के बीच जीवित रहने वाले ये जर्मन शेफर्ड डॉग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, और इनका स्किन कलर ब्लैक और टैन या फिर ब्लैक और सिल्वर कलर में होता है, और इसी वजह से आपको ये बिल्कुल प्यारे जर्मन शेफर्ड $6,000 से लेकर $7,000 के बीच में मिल जाते हैं। कैनेडियन एस्किमो डॉग। दोस्तों कैनेडियन एस्किमो एक वर्किंग डॉग है, और जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, ये आपको कनाडा में देखने को मिल जाएंगे, जहां पर इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है। ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन वाले ये डॉग तकरीबन 18 से 40 किलोग्राम के बीच में होते हैं। ये कैनेडियन डॉग काफी ज्यादा अफेक्शनेट, कंपैशनेट और इंटेलेक्चुअल होते हैं, और इन वर्किंग डॉग्स की कीमत करीब $1,200 होती है। फ्रेंच मस्टिफ डॉग। अब चलिए दोस्तों आपको फ्रेंच मस्टिफ डॉग से भी मिलवा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है, जिसे अधिकतर लोग पालना पसंद करते हैं, जहां ये फ्रेंच डॉग ब्रीड्स में सबसे बड़े डॉग्स में आते हैं। हालांकि इनका लाइफ स्पैन केवल 5 से 8 साल का होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा हिम्मत वाले और प्यारे किस्म के डॉग होते हैं, जिनके अंदर आपको एक अच्छा खासा धैर्य देखने को मिलेगा, क्योंकि ये किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए चीजों को पूरा करते हैं, जो उन्हें बाकी डॉग से थोड़ा अलग बनाता है। और यही कारण है कि मार्केट में इस डॉग की कीमत लगभग $1,000 होती है, लेकिन अगर इनकी नस्ल काफी अच्छी निकल गई तो ये $5,000 में भी बिक जाते हैं। अफगान हाउंड। दोस्तों ये डॉग ब्रीड तो अपनी यूनिक हेयर स्टाइल की वजह से जानी जाती है, क्योंकि जब आप इस प्रजाति के डॉग को देखते हैं तो इनके बाल काफी लंबे होते हैं, और लंबे होने के साथ साथ काफी सिल्की भी होते हैं, जिस वजह से ये डॉग कई सारे एनिमल लवर्स की पहली पसंद है। अफगान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले ये कुत्ते ओवरऑल बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। इनकी लाइफ भी करीब 12 से 14 साल के बीच की होती है, और इन्हें एक इंडिपेंडेंट डॉग के तौर पर देखा जाता है, जहां इनकी कीमत $2,500 से $5,500 के बीच में होती है। एजावाक। दोस्तों एजावाक नाम की ये डॉग ब्रीड वेस्ट अफ्रीका से बिलोंग करती है, हालांकि अलग अलग रीजन में इन्हें साइट हाउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इनकी लाइफ
करीब 10 से 12 साल के बीच में होती है। अगर हम इनके नेचर की बात करें तो दुबले पतले से देखने वाले डॉग काफी ज्यादा अफेक्शनेट, एक्टिव और कूल टेम्परामेंट के होते हैं। और अगर हम इनके प्राइस रेंज की बात करें तो 2500 से लेकर $5700 के बीच में मिलते हैं। हेयरलेस चाइनीज क्रेस्टेड। दोस्तों, डॉग की ये ब्रीड ना सिर्फ एक्सपेंसिव है बल्कि बहुत ही ज्यादा यूनिक भी है, क्योंकि इस डॉग की पूंछ और सिर को छोड़कर आप ये देखेंगे कि इसकी पूरी बॉडी हेयरलेस है, यानी कि उसमें एक भी बाल नहीं है, जिसकी वजह से ये बाकी डॉग्स के मुकाबले काफी अलग लगते हैं। अगर हम इन डॉग्स के लाइफ के बारे में बात करें तो ये 13 से 15 साल तक आराम से जीवित रह सकते हैं। इनके इस यूनिक अपीयरेंस और एक्टिव नेचर के चलते कई सारे लोग इन्हें खरीदना पसंद करते हैं और ये काफी रेयर भी हैं। इसी वजह से इनकी कीमत 4000 से लेकर $5800 तक जाती है। लोशन। अब दोस्तों, इस यूनिक डॉग से आप मिल ही लीजिए, क्योंकि ये डॉग्स की स्मॉल ब्रीड से बिलोंग करते हैं, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, पर इतनी हाइट कम होने के बावजूद ये आराम से 12 से 14 साल तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, ये काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और इसकी वजह से कई सारे डॉग कॉम्पिटिशन में इनका इस्तेमाल होता है। ओवरऑल कहा जाए तो ये अमीर लोगों की पसंद वाले डॉग होते हैं, क्योंकि इनको मैनेज करना काफी एक्सपेंसिव है। उसके साथ ही इनको खरीदना भी कोई आसान काम नहीं है। इनकी कीमत करीब $8000 तक जाती है। स्माइट डॉग। दोस्तों, इस ब्रीड से तो आप सभी वाकिफ होंगे, क्योंकि अक्सर फिल्मों वगैरह में हमें ये देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि स्माइट नाम की ये डॉग्स अधिकतर व्हाइट और क्रीम कलर के होते हैं, जहां इनकी बॉडी में आपको काफी बाल देखने को मिलेंगे और इनका लाइफ स्पैन करीब 12 से 14 साल के बीच में होता है। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि ये डॉग ब्रीड काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और इनका वजन करीब 16 से 30 किलोग्राम के बीच में चला जाता है। हालांकि दोस्तों, अगर हम इस सफेद वाले डॉग ब्रीड की बात करें तो इसकी कीमत $1000 से $3000 के बीच में है। नेपोलिटन मस्टिफ डॉग। दोस्तों, अब आइए हम आपको इस इटालियन डॉग की ब्रीड से मिलवाते हैं, क्योंकि नेपोलिटन मस्टिफ नाम का ये डॉग ब्रीड एक गार्ड के डॉग के तौर पर काफी ज्यादा फेमस है और 8 से 10 साल के लाइफ स्पैन वाले इस डॉग ब्रीड के अंदर आपको लॉयल्टी भी कूट कूट कर भरी हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये अपने ओनर्स के प्रति काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और अगर इन्हें एक बार ट्रेन कर दिया जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन डॉग ब्रीड बनकर बाहर निकलते हैं। इसी वजह से इनकी कीमत $2600 से लेकर $5600 के बीच में होती है। चाओ चाओ डॉग। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस चाओ चाओ डॉग की, क्योंकि नॉर्दर्न चाइना में पाए जाने वाले इस अनोखी ब्रीड के डॉग देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो दोस्तों, ये लगभग 9 से 15 साल की जिंदगी जीते हैं और इनका स्किन कलर अधिकतर ब्लैक, ब्लू और क्रीम कलर का होता है। पर इन क्यूट से देखने वाले डॉग्स की सबसे खास बात है इनकी लॉयल्टी। इसी वजह से तो 20 से 27 किलो के वजन वाले इस डॉग की कीमत करीब $900 के आसपास है। लाइन ब्लड टिबेटन मास्टिफ। अब बात करते हैं सबसे महंगे डॉग ब्रीड की, जो और कोई नहीं बल्कि लाइन ब्लड टिबेटन मास्टिफ है। जी हाँ, ये डॉग काफी महंगे होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका यूनिक स्ट्रक्चर और साइज है। वैसे लोग इन्हें गोल्डन हेयर टिबेटन मास्टिफ नाम से भी जानते हैं। ये काफी ज्यादा लार्ज होते हैं, ये मास्टिफ फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे में स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होना तो इनके ब्लड में होता है, लेकिन अपने बड़े साइज के कारण इनका ये स्ट्रॉन्ग नेचर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी कारण इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है और जाहिर सी बात है कि इनके नाम में ही लाइन ब्लड है, तो इनकी स्ट्रेंथ को भी शेर की स्ट्रेंथ से जोड़कर देखा जाता है और ये चीजें इनको इतना महंगा बनाती है, जहाँ इस डॉग ब्रीड की कीमत $2 मिलियन तक पहुँच जाती है। वाकई में ये डॉग किसी सोने से कम नहीं है, क्योंकि किसी डॉग का 2 मिलियन में बिकना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। अब आपको इनमें से कौन सा डॉग ब्रीड सबसे ज्यादा अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।